गाइस तो आपको फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है गाइस। जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जब अपन इस तरह का स्लाइड वाला वीडियो एडिटिंग करना सीखेंगे गाइस, जो कैसे एडिटिंग करते हैं और डबल पाम में देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं सेम वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा इस वीडियो में। गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओपन कर लेना है काइनमास्टर। ओपन करने के बाद क्या करेंगे, इससे अपन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने के बाद आपको 916 फ्रेम चूज रहे, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से कुछ आपका ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक ब्लैक बैकग्राउंड ले लेना है, अदर गाइस आपके मनपसंद कोई सा दूसरा बैकग्राउंड भी आप ले सकते हो। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को जूमिंग कर लेता हूँ और ऐसे 15-30 सेकंड का आपको इस लेयर को कर लेना है, ठीक ना। इस तरह से अब क्या करना गाइस, यहाँ से आपको लेयर पर जाना और मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको एक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट आपको मिल जाएगा जो कि डिफ्यूजन में गाइस, तो आपको वो ले लेना है ए वाला, ठीक ना। इसको लेने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करेंगे और इसको पहले तो फुल स्क्रीन करेंगे। फुल स्क्रीन करने के बाद क्या करेंगे, इस पर फिर से इसे क्लिक करेंगे और अपन नीचे जाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी ऐसा बना रखा है गाइस, जो कि आपको पहले वीडियो देख लेना है कैसे एडिटिंग करना है। इसके बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक ना। तो अपन क्रोमा की ऑप्शन पे जाएंगे, इसे अनेबल कर देंगे। अनेबल करने के बाद क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे जाएंगे कलर ऑब्जेक्ट पे और इसका ब्लू कलर आपको कर देना है, ठीक ना। इस तरह से ब्लू कलर कर लेना है। ब्लू कलर करने के बाद क्या करेंगे, इसका लेयर भी अपनी वीडियो को बराबर कर देंगे, जो कि अपन ने बैकग्राउंड लिया उसी के बराबर इसका लेयर भी आपको कर देना है, ठीक ना। इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, इससे अपन लेयर पर जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इस तरह से आपको फोटो ले लेना है जो कि फुल स्क्रीन वाले, ठीक ना। हाफ स्क्रीन में नहीं लेना है गाइस, जो कि आपके पूरे स्क्रीन पे नहीं आना चाहिए, जो अपन हाफ स्क्रीन में रहता है जैसे कि टीवी सीरियल वाला, उस इफेक्ट में आपको ले लेना है। जैसे मैं आपको फोटो लेके भी दिखा देता हूँ, जैसे मान लीजिए ये फोटो है, ये फोटो लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से रोटेट करना। रोटेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको सेंड टू बैक पे क्लिक कर दें। सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद इसका जूमिंग कम कर देना है इस तरह से, ठीक ना। जो कि मैं लाइव स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, और अदरवाइज आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझसे बात करके कुछ भी आपका मन में डाउट है तो मुझसे बात कर सकते हो, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो गाइस इस तरह से आपको इसको रोटेट कर लेना है, ठीक ना। आप क्या करेंगे, इस तरह से अपनी वीडियो इतना कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ से अपन इतना स्किप करेंगे वीडियो को, और इसके बाद क्या करेंगे, इस फोटो को क्लिक करेंगे और गाइस इस तरह से वीडियो को थोड़ा स्किप करना है। वीडियो को स्किप करने के बाद इस फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इस तरह से करने के बाद क्या करेंगे, इसे अपन फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इस और फोटो चुनेंगे। तो गाइस इसमें अपन इसी तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक दो फोटो लगा के इस तरह से कम आपको 10-12 फोटो लगा लेना, ठीक ना। एक फोटो अपन लेकर दिखा रहा हूँ मैं आपको स्क्रीन पर, तो अपन फिर से थ्री डॉट पर जाएंगे, सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे। सेंड टू बैक पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो, इस तरह से आपको जूमिंग देख लेना है। इसका लेयर ठीक ठाक रहना चाहिए और थोड़ा स्क्रीन में बड़ा भी रहना चाहिए, ताकि अपन इसको स्लाइड करेंगे तो दिक्कत ना आए, ठीक ना। अगर आपका जो फोटो बैकग्राउंड में कम रहेगा तो आपको स्लाइड ठीक ठाक नहीं होगा, ठीक ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप क्या करेंगे, इस थोड़ा सा लेयर इसको छोटा कर देंगे और अपन फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेंगे और एक फोटो वाले लेके दिखा देता हूँ गाइस। इसके बाद मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप करूँगा ताकि आपको ज़्यादा लंबा अपना वीडियो ना हो। तो अपन एक फोटो वाले ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये फोटो ले लेते हैं एक, ठीक ना। एक फोटो अपन ने ले लिया था पहले, तो अपन सेकंड वाला फोटो ले लेते हैं। तो गाइस इसी तरह से फोटो लेने हैं, तो जो गाइस मैंने थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लिया था, तो मैं लास्ट फोटो वाला लेकर दिखा देता हूँ। तो आपको लेयर का ऑप्शन पे जाकर मीडिया ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से एक फोटो और चुन लेना है, जो कि लास्ट फोटो अपन 15 सेकंड का वीडियो बना रहे हैं गाइस। चाप चाव तो बड़ा वीडियो भी इसको बना सकते हैं। तो एक फोटो अपन ए वाला ले लेते हैं। ए वाला लेने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह जूमिंग कर लेना है पहले तो, और आपको फिर से थ्री डॉट पर जाना और सेंड टू बैक पर क्लिक कर देना। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना, तो इस तरह से आपका वीडियो को यहाँ पे फोटो को एडजस्टमेंट कर लेना है आपके हिसाब से, ठीक ना। देख सकते हो इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि इस आपका वीडियो अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन आपको पूरी डिटेल्स में आपको मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो अपन क्या करेंगे, इस लेयर को थोड़ा सा इजी बैकग्राउंड के बराबर कर लेते हैं, ठीक ना। तो गाइस अपने फोटो इस तरह से ऐड हो जाएंगे, देख सकते हो अभी कैसे इस तरह से फोटो लग रहा है। अब क्या करेंगे, इस फोटो को स्लाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट फोटो क्लिक करेंगे और इस की का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना। की का ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको पहले तो स्लाइड जो कि राइट साइड में करना है इस तरह से, ठीक ना। इस तरह से स्लाइड करना है, जो कि आपका वीडियो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए स्लो मोशन में आपको स्लाइड करना है। आपको फिर से लास्ट में थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना, प्लस के आइकन क्लिक कर देना, और जहाँ से आपने वीडियो को स्किप जो कि स्टार्ट किया था वहीं पे इस तरह से रोक इसको कन्वर्ट करके और आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद क्या करेंगे, इस अपन फिर से सेकंड वाला फोटो क्लिक करेंगे
और क्या करेंगे गाइस, फिर से की को ऑप्शन पे जाएंगे, जो फोटो को अपन ने जो कि राइट साइड में स्लाइड किया था इसको लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में स्लाइड करने के बाद इस तरह से कर देंगे और अपन इस प्लस के आइकन क्लिक करके यहाँ पे और आपको बैक कहीं पे छोड़ देना है। और गाइस जो बैकग्राउंड आपका नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपकी वीडियो ठीक ठाक नहीं लगेगी। जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पीछे का ब्लैक बैकग्राउंड है ये आपको नहीं दिखना चाहिए, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इस अपन फिर से की ऑप्शन पे जाएंगे और आपको इसको स्लाइड कर देना है जो कि राइट साइड में। राइट साइड में स्लाइड करने के बाद अपन वीडियो को स्किप करेंगे, प्लस के आइकन क्लिक करेंगे, फिर पे वहीं पे छोड़ के वहीं पे करके और इस तरह से इसको छोड़ देंगे, ठीक ना। पैक आ जाएंगे, पैक आने के बाद क्या करेंगे, इसी तरह से आपको पूरे फोटो को स्लाइड करना है। तो मैं लास्ट फोटो को और स्लाइड करके दिखा देता हूँ। की के ऑप्शन पे जाएंगे, अपन क्या करेंगे इस फोटो को जो कि लेफ्ट साइड में स्लाइड करेंगे और वीडियो को स्किप करेंगे, प्लस के आइकन क्लिक करेंगे और आपको फिर से वहीं पे फोटो को ले जाना है जहाँ से स्टार्ट किया था और आपको बैक आ जाना है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो अपने पूरे फोटो स्लाइड वगैरह हो रहा है, देख सकते हो। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, इस तरह से अपने फोटो स्लाइड होंगे, ठीक ना, जो अपन नेक्स्ट वीडियो आगे बनाएंगे उसमें। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, इस वीडियो को अब आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से डाउनलोड के ऑप्शन पर जाना है, एक्सपोर्ट वाले पे, और सेव टू एंड शेयर, तो इस पर क्लिक करके सेव टू कर लेना है। तो गाइस मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेता हूँ, इस तरह से आपका कुछ वीडियो डाउनलोड नहीं लगा है, ठीक है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा वेटिंग कर लो। तो गाइस अपना वीडियो को एक्सपोर्ट हो गया है, अब क्या करना गाइस, आपको बैक आ जाना है, ठीक ना। तो बैक आने के बाद अपन फिर से बैक आएंगे एक बार और आपको न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कर लेना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना गाइस, आपको न्यू 916 फ्रेम चूज़ करके फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो गाइस वीडियो को मिस बिल्कुल ना करें। तो आपको पहले तो सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है, एडिट पे क्लिक करना और फिल स्क्रीन क्लिक कर लेना है। ये गाइस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस फिल स्क्रीन से क्या होगा, अपना ऑटोमेटिक फोटो एडजस्टमेंट हो जाती है, इसमें अपन जूमिंग करना नहीं पड़ता है। और अगर आपको फोटो का लेयर छोटा करना है तो फिर से फिल स्क्रीन पे आओगे और इसका आपको 4x कर देना है, मिनिमम आपके छोटे फोटो हो जाएंगे, ठीक ना। इस तरह से आपको कर लेना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर जैसे मैंने इस वीडियो दिखाया था वैसे वीडियो चलाने के लिए। तो सबसे पहले कुछ मैंने फोटो डाउनलोड करके, और गाइस सेम फोटो की वीडियो आपके भी बना सकते हो, जो कि आपके फोटो की भी ऐसी वीडियो आप बना सकते हो, ठीक ना। जो कि मैं फोटो लेके आपको सिर्फ डेमो के लिए ये दिखा रहा हूँ। अब क्या करेंगे गाइस, इस तरह से करने, अगर आपका कोई से फोटो का बैकग्राउंड इस तरह से दिखता है तो आपको क्या करना गाइस, इस पेन एंड जोन पे जाना है, इसको इस तरह से फुल स्क्रीन में क्लिक करके और डबल टिक कर देना है ताकि अपना जूम आउट फोटो ना हो। तो इस तरह से अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे गाइस, यहाँ से आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पे जाना है, ठीक ना। तो गाइस अब इसके बाद आपको इफेक्टिव क्लिक कर लेना है। इफेक्टिव क्लिक करने के बाद बेसिक पे इफेक्ट क्लिक करना और यहाँ से कुछ इस तरह से जो ब्लर वाला इफेक्ट है इसको आपको क्या करना, फुल स्क्रीन पे कन्वर्ट कर लेना है। आपके करना गाइस, बैक आने के बाद इसका सेटिंग का ऑप्शन पे जाना और इसको 4 कर देना है। 4 करने के बाद इसका लेयर आपकी जो कि जो फोटो है अपने इसके बराबर कर देना है। तो गाइस अभी अपन वीडियो के एडजस्टमेंट के हिसाब से इन फोटो का थोड़ा छोटा भी करेंगे, तो अपन पहले इसके हिसाब से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आप क्या करते गाइस, अपन लेयर पे चलते हैं, मीडिया ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो वीडियो अपन ने अभी एक्सपोर्ट किया था ग्रीन वाला, तो अपन वो वीडियो को ले लेंगे। वो वीडियो को लेने के बाद इस तरह से आपको रख लेना है। रखने के बाद क्या करना, आप चाहो तो फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन जब फुल स्क्रीन कर सकते हो तो ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाएगा। और अगर आपके हिसाब से एडजस्टमेंट रखना चाहते हो तो आपको क्या करना गाइस, यहाँ से आपको जूमिंग कर लेना है, खाली क्रोमा की के ऑप्शन पे जाके, ठीक ना। तो आप क्रोमा की के ऑप्शन पे जाना है, इसे एनेबल कर देना है, तो इसका क्या होगा, ग्रीन पार्ट हट जाएगा। और थोड़ा बहुत आपको इसका एडिटिंग वगैरह करना है, मतलब कि थोड़ा बहुत आपका कलर में डाउट लग रहा है, तो आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पे जाके इस तरह से इसका कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो, ठीक ना। इस तरह से कर लेना है। आप क्या करेंगे, जो वीडियो के बराबर अपन को इसका लेयर कर देना है जो फोटो वाला, तो अपन देख लेते हैं वीडियो कितना सेकंड का गया। गाइस मैंने कम लेयर ही बना दिखाया क्योंकि इसको 12 सेकंड का ही बना दिखाया ताकि अपनी वीडियो लंबी ना हो। तो इस तरह से अपन फोटो को 12 सेकंड का कर लेंगे। और आप जितना छोटा फोटो करोगे उतना फोटो फास्ट निकलेंगे, तो अपनी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, ठीक ना। तो मैं इस तरह से आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कर लेना है, देख सकते हो अभी अपने फोटो के जिस तरह से आ रहा है। आप क्या करेंगे, आपको लेयर पे जाना है, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना और यहाँ से क्या करेंगे, इसको टेम्पलेट वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन इसमें एक टेम्पलेट ले लेते हैं जो मैंने पहले से बना रखा था। तो ये टेम्पलेट ले लेंगे, अपन क्या करेंगे इस पर स्प्लिट स्क्रीन पर जाएंगे। स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करने के बाद इसका फुल स्क्रीन करके और आपको बैक आ जाना है। फिर से आपको नीचे की साइड जाना है, एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा और इसका स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद क्या करेंगे, इस बैक पर आना है, बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से लेयर के, सॉरी आपको लेयर पर नहीं जाना है, मीडिया ऑप्शन पर जाना है। मीडिया ऑप्शन में क्लिक कर जाने के बाद क्या करेंगे, इसको ट्रांजेक्शन इफेक्ट करेंगे। ट्रांजेक्शन इफेक्ट इसलिए बता रहा हूँ गाइस, चाहते तो अपन लेयर के ऑप्शन पर जाके भी इसको ले सकते थे, लेकिन क्या होगा, ये कुछ वीडियो ऐसी रहती हैं जो ट्रांजेक्शन इफेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए अपन पहले मीडिया के ऑप्शन पर जाके इनको
करना पड़ता है इसमें सेव, और इसके बाद अपन इसको लेयर के ऑप्शन में इसको कॉपीराइट करके इसमें लगा सकते हैं, ठीक ना। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि इसको क्या क्या करते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट लगा देते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर बोलते हैं क्यों नहीं कर रही है, ठीक ना। तो इसलिए मैं पूरे डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ। तो अपनी ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गई, ठीक ना। अब क्या करेंगे अपन गाइस, सब बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अपन जो वीडियो अपन ने अभी लिया है, ट्रांजेक्शन किया है अपन, इस पर क्लिक करेंगे। आपको थ्री डॉट पे जाना है, डुप्लीकेट बना लेना है इसका। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको फिर से इस वीडियो पर क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है, जो फर्स्ट वाली को डिलीट करते हम देख सकते हैं स्क्रीन पे अपना ऑटोमेटिक आ गया। आप क्या करेंगे, अपन इस पर फिर से क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे अपन क्रोमा जो कि क्रॉपिंग के ऑप्शन पे, इसे एनेबल करेंगे और इसका रोटेट पहले तो इस तरह से अपन कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा, ठीक ना, इस तरह से कर लेना। आप क्या करेंगे, सबको बैक आ जाना है और आपको नीचे जाना है आप ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर, ठीक ना। ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आपको इसका स्क्रीन करके और आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर इस तरह से एडजस्टमेंट इसका कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पर। इस तरह से करने के बाद अपना इतना वीडियो कंप्लीट हो गया। अपन फिर से लेयर पर जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे और गाइस यहाँ से अपन आप एक सॉन्ग चल लेते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से बना रखा था। इस तरह का सॉन्ग अपन को ले लेना है जो कि मैंने डाउनलोड कर रखा था, देख लेते हैं ये वाला सॉन्ग ले लेना, ठीक ना। इस सॉन्ग लेने की बात क्या करेंगे, यहाँ पे अपन इसको थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे, अपना सॉन्ग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे और आपको क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है, ठीक ना। यहाँ से क्रॉपिंग के ऑप्शन पे जाना है, इससे एनेबल करना और इसका रोटेट क्या करना है, दोनों साइड से इस तरह से माइनस कर देना है, मतलब कि इसको क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा स्किप करना है, तो 21 के लगभग या 25 के लगभग कर देना, ठीक है। तो आपके हिसाब से देख लेना और आपको कितना रखना है। इतना रखने के बाद आपको क्या करना है, इतना वीडियो अपना कंप्लीट हो रहा है। आप क्या करेंगे, इसे अपन फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडिया ऑप्शन क्लिक करेंगे और इसमें एक बॉर्डर पीएनजी लगाएंगे। तो मैंने डाउनलोड पहले से कर रखा था, तो मैं बॉर्डर पीएनजी आपको लेके दिखा देता हूँ। तो गाइस कुछ अपना इस तरह का बॉर्डर पीएनजी रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करके और इसको फुल स्क्रीन करके और गाइस इसका लेयर भी अपनी वीडियो के बराबर कर देते हैं, ठीक ना। तो अपन इस पर क्लिक करेंगे और इसका लेयर को इस तरह से वीडियो के बराबर कर देंगे। तो गाइस अपना कुछ वीडियो कंप्लीट होगा। अदर गाइस आपका कोई भी मन में क्वेश्चन है तो गाइस मुझे इंस्टाग्राम पर कॉमेंट कर सकते हो, मैं आपको हर एक कॉमेंट का जवाब दूंगा। और आप वीडियो कैसा लगा मुझे वीडियो में कॉमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। गाइस देख सकते हो जैसे मैंने स्क्रीन को दिखाया था सेम वीडियो अपने बन के कम्प्लीट हो गया। गाइस तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।